के 90 लाख मुसलमानों ने मुल्क हासिल करने वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने, शहीद हो गए। मुल्क पाकिस्तान आजादी हासिल करने वास्ते अपने बच्चों को पोतरिया जे आजादी मना देना सिलेंसर कट के आवाम तंग करते ने, परेशान करते ने, छोटा छोटा लिबास पा के शहरों में जाके पार्क में जाके ये आजादी मना देना। दसो ये मुल्क पाकिस्तान आजाद कराने वास्ते 90 लाख तो ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां। हिंदुस्तान के जितने भी नजदीक कूमे सी सारे मुसलमानों की लाशों नाल भर गए। जितनिया नारा से उन्होंने पानी की बजाय खून नजर आ रहा है। बहरे हिंद मुसलमानों दिया लाशों फेंकिया जा रहा है, पानी की बजाय खून नजर आ रहा है। 70,000 औरतों दिया इज्जतों को लुटा गया है, मुसलमानों को जिंदा जलाया गया है, मुसलमानों के जुल्म के पहाड़ टूट गए। इन कुर्बानियों तो बाद सानू आजादी मिली है, इंज नहीं मनाना। इन्हों दसो इस आजादी को हासिल करने वास्ते इमाम फजल हक सहराबादी रहमतुल्लाह अलैह आल हिंदुस्तान का सब तो वड्डा आलिम है, काले पानी की सजा को कबूल कर दिता। आपने फतवा दिता, लोगो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करो। अंग्रेज को पता चलिया उन्हें काले पानी की सजा कबूल करने मजबूर कर दिता। हर रोज 80 कोड़े बजते ने। इमाम फजल खैराबादी अंग्रेज की मिट्टी टोकरे उठा उठा के बड़ा पाए फेंकते ने। आप सैकड़ा जिसम से जख्म हो गए, जिसम के जख्मा न चूर चूर है। अंग्रेज आया, ए इमाम फजल खैराबादी तेरी लोग इंतजार करते ने, तू जमाने का इमाम है, अपना फतवा जिहाद का वापस ले ले, जिंदगी बन जाएगी, जमीन मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी। इमाम फजल हक खैराबादी ने फरमाया, ओ बदबख्ता, तू दुनिया का लालच देना है, तू रोटी का लालच देना है, खबरदार उन्हें बांधा उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, उन्हें मानना उन्हें जाना। किया क्या उन्हें मानना उन्हें मानना, बोलो उन्हें मानना। सानू अंग्रेज की रोटी के नाम नहीं, उन्हें मानना उन्हें जाना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आपने शहादत जनाजा जेल चो निकलता है, पूछो मौलाना नायत अहमद काफोरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मौलाना कफायतुल्लाह काफी, ये कौन ने? ये पाकिस्तान बनाने वाले थे। कौन ने? कभी नाम सुनिया? मौलाना नायत अहमद काफोरी स्त्री गर्म कर लेनी, गर्म करके कमीज उतार के जिसम ते लानी, जिसम तो मांस ले जाना। कह लगा पाकिस्तान का नाम लेना छड़ दे। फरमाया ए जिसम चो जान जा सकती है, जिसम टुकड़े टुकड़े हो सकता है, मगर कुफर दी गुलामी में रहना पसंद कर दे। इनू 14 अगस्त वाले दिन ये दसिया, ये दसिया जाए 14 अगस्त मना रहे हैं, ये दसिया जाए जदों नबी अली सलाम ने मक्का फतह किया तो नबी पाक अली सलाम किस तरह आए ने। मक्का फतह किया तो जश्न मनाया फतह दा आजादी दा, तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम किस तरह आए।